तो ये टोपोलॉजी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया है। आर वन पे जो लिंक नंबर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 0 बाय 0, और यहाँ पे भी 0 बाय 0, 0 बाय 0 और 0 बाय 0, ठीक है। और इनके ऊपर आईपी एड्रेस भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्विच जो है वो जब भी इसके पास में कोई डेटा फ्रेम रिसीव होता है तो फ्रेम को क्या करता है, वो प्रोसेस करेगा ना। तो सबसे पहला काम क्या रहता था स्विच का, एड्रेस लर्निंग। जैसे ही कोई फ्रेम रिसीव होगा वो सबसे पहले एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके अपनी कैम टेबल जनरेट करता था, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता था ना, याद है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं डिवाइस जो ऑटोमेटिक जो मैक एड्रेस लर्न कर रहा है कैसे लर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो एक काम कर लो, आर वन पे चलते हैं और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ किसको, 10.1.1.1 को। कम्युनिकेशन हो रहा है 10.1.1.1 से, मैं सॉरी खुद है ना 10.1, तो 10.1.1.2 को मैं कम्युनिकेट करने की ट्राई करता हूँ। तो देखना पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है ना, पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है, याद है ना तुम लोगों को। इसके पास में पहले ये क्या चेक करेगा, अपनी शो आर्प। जब भी ये कोई डेटा फ्रेम जनरेट करेगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है लाइक इस बार 10.4, और ये सोर्स मैक एड्रेस अपना ए लाइक ऐड करेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका ऐड करेगा 10.1.1.4 का। तो स्टार्टिंग में ये 10.1.1.4 का या जिसको भी कम्युनिकेट कर रहा है उसका मैक एड्रेस होगा नहीं, तो इस प्रोसेस को होल्ड करके, याद है मैंने तुम लोगों को बताया था पूरी एक आर्प प्रोसेस चलती है ना। तो ये क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, जिस वो लेयर टू के ऊपर सोर्स मैक एड्रेस इसका, वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ है ना। और ये फ्रेम किसके पास में आएगा, स्विच के पास में, हमने 10.1.1.2 को कम्युनिकेट किया था, तो स्विच के पास में आया। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए है, यहाँ पे इस वाले पोर्ट पे लर्न कर लेगा, और एक कॉपी कहाँ पे भेज देगा। तो ये दोनों इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, और ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा ना, और इसकी ए आर पी टेबल में भी एंट्री स्टोर हो जाएगी ना 10.1.1.1 की, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताया था ना मैंने। और इसके इसके पास में आर्प रिस्पॉन्स आया, इसके पास में भी उसकी एंट्री स्टोर होगी, तब तक वो आपका टाइम आउट हो चुका होता है, 2 सेकंड हो चुके होते हैं ना। पहला पैकेट ड्रॉप कर देता है और सेकंड पैकेट फिर से वो आईसीएमपी जनरेट करता है, तो इस बार मैक एड्रेस उसकी एआरपी टेबल में मिल जाता है, तो वो कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, याद है ना ये चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। तो देख लो अभी यहाँ पे स्विच आर वन पे इसकी एआरपी टेबल में मैक एड्रेस आ गया ना, और आर टू की एआरपी टेबल में भी मैक एड्रेस आ चुका होगा उसका, शो आर, देखना। बट R3 और R4 इस आर्प मैसेज को क्या करेंगे, डिस्कार्ड है ना, तो शो आर्प, इनके आर्प टेबल में देखना एंट्री आई है, और R4 की ARP टेबल में भी देखना शो आर्प नहीं है ना। और अब मैं अगर R1 से मैं अगर कम्युनिकेट करता हूँ किसको, 10.1.1.3 को, तो फिर से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होगा ना इसके पास में, तो फिर से क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और वो सभी के पास में जाएगी, सभी मशीन उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, एक्सेप्ट कौन करेगा, सिर्फ हाँ। तो इसके पास में आर्प रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो 10.1.1.3 का मैक एड्रेस आ गया ना इसके पास में, और R3 के पास में भी शो आर्प में देखना मैक एड्रेस आ गया, बट 4 के पास में अभी तक उसका मैक एड्रेस नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि उसने R4 ने उस पैकेट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि आर्प इसके लिए नहीं थी, आर्प मैसेज में आईपी इसका नहीं था ना, अरे याद है ना। तो ये लो फिर मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ 10.1.1.4 को, तब इसके पास में 4 का भी शो आर्प देखना, और R4 के पास में भी शो आर्प में देखना, समझ में आई बात। बट R2 के पास में मैक एड्रेस नहीं है सामने वाले का ना, R2 के पास में सिर्फ मैक एड्रेस किसका है, R1 का, शो आर्प देख लो। मैं अगर यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ 10.1.1.3 को, तो ये भी ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, पहला पैकेट ड्रॉप और शो आर्प में देखना, है ना। और इसी तरह से मैं पिंग स्पेस 10.1.1.4 को कम्युनिकेट करके देखता हूँ, और शो आर्प में देखना उसका मैक एड्रेस भी आ गया, और अब इन दोनों के पास में भी 2 का मैक एड्रेस आ जाएगा ना शो आर्प, अरे इनके पास में आर्प रिक्वेस्ट आई है ना 2 की, और इसके पास में भी देख लो शो आर्प, इसके पास में भी, और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.1.1.3 को, तो ये भी इनको भी एक दूसरे का मैक एड्रेस मिल जाएगा ना शो आर्प, इसके पास में अब सबका मैक एड्रेस है ना, और शो आर्प इसके पास में भी सबका मैक एड्रेस है। तो जैसे ही कोई डेटा फ्रेम यहाँ पे रिसीव होगा, फ्रेम
सोर्स मैगाडोस क्या ए है, तो ए इस वाले पोर्ट पे लर्न कर लेगा ना ये, तो ये भी प्रूव करके देख लें, इसकी कैम टेबल चेक करें। अब इन सभी के मैगाडोस इसकी कैम टेबल में आ चुके होने चाहिए, आगे होने चाहिए ना, तो चेक कर लें ये। तो आप स्विच पे चेक करोगे, शो कैसे चेक करते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल कमांड चलती है ये। इसमें क्या दिखाएगा, इसमें कुछ स्टैटिक ये पूल भी दिखाएगा, ये पूल क्या हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस कर देंगे। और यहाँ पे ये देखना, चार मैक एड्रेसेस लर्न कर दिया ना, ये R1 का मैक एड्रेस होगा, ये R3 का मैक एड्रेस होगा, और ये R2 का, और ये R4 का। इवन चेक कर लो, मैं R1 पे चलता हूँ। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इसका 0x0 इंटरफेस है ना, इसके 0x0 इंटरफेस का मैक एड्रेस चेक करना ज़रा क्या, ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस मैच कर रहे हैं ना, अरे मैच कर रहे हैं ना, और ये लो लास्ट वाले पोर्ट चेक कर लेते हैं। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 का, इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो भी चेक कर लेते हैं, ये वाला मैक एड्रेस और R0x4 पोर्ट पे जो मैक एड्रेस लर्न हुआ है वो दोनों सेम है ना, तो हो गया ना प्रूफ। ये मैक एड्रेस को क्या करते हैं, लर्न कर लेते हैं डायनेमिकली, जैसे ही कोई फ्रेम आएगा सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के आएगा, अरे ये मशीन जब भी कोई डेटा फ्रेम भेजेंगे तो सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के आएगा, इनका लग के आएगा ना, तो मैक एड्रेस क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे ना, तो मैक एड्रेस लर्न कर लिया ना इन्होंने ऑटोमेटिक डायनेमिकली। और आप ये कैम टेबल आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, क्या कैसे चेक कर सकते हो, शो मैक एड्रेस टेबल, और आप डायनेमिक कीवर्ड यूज़ करोगे ना यहाँ पे, तो सिर्फ आपको डायनेमिक एंट्रीज दिखाएगा, जो मैक एड्रेस इसने डायनेमिकली लर्न किए हुए हैं वो मैक एड्रेस दिखाएगा इससे। अगर शो मैक एड्रेस टेबल बोलोगे तो डायनेमिक एंट्रीज और जो स्टैटिक एंट्रीज हैं वो दोनों दिखा देगा, और अगर आप यहाँ पे डायनेमिक बोलोगे तो सिर्फ डायनेमिक एंट्रीज दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल, और अगर आप यहाँ पे स्टैटिक बोलते हो तो सिर्फ आपको स्टैटिक एंट्रीज दिखाएगा, डायनेमिक एंट्रीज नहीं दिखाएगा। समझ में आ गई बात। और मैंने एक और चीज़ बताई थी तुम लोगों को, ये जो इस मैक एड्रेस को जो स्टोर करके रखेगा अपनी टेबल में, वो कितने टाइम के लिए स्टोर करके रखेगा, मैक एजिंग टाइम कितना था यहाँ पे देखना, मैं डायनेमिक कीवर्ड से अगर कैम टेबल चेक करूँ तो मैंने बताया था यहाँ पे 300 सेकेंड भी दिखा, तो वो एक्चुअली यहाँ पे टेबल में नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। कैसे अगर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ये कमांड चलती है इसका मैक एजिंग टाइम चेक करने के लिए। तो मैक एजिंग टाइम कितना है देखो, यहाँ पे दो टाइप का मैक एजिंग टाइम दिखा रहे हैं, एक तो ग्लोबल एजिंग टाइम सभी वी लाइन के लिए, और जो सभी वी लाइन के लिए यहाँ पे जो ग्लोबल एजिंग टाइम होगा, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ग्लोबल एजिंग टाइम, और ये टाइम सभी वी लाइन के लिए होगा, मतलब वी लाइन 1 के लिए भी ये मैक एजिंग टाइम रहेगा, वी लाइन 2, अगर कुछ यूजर वी लाइन 2 में है उनका भी मैक एड्रेस कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, ये 300 सेकंड के लिए। इवन यहाँ पे वी लाइन बना नहीं हुआ, अगर बना होगा तो वो भी उसके लिए भी ऐसे ही दिखाएगा। इवन एक काम कर लेते हैं हम लोग, मैं अभी के लिए दो वी लाइन बना लेता हूँ, एक वी लाइन 10 और एक वी लाइन 20, और इसमें मैं पोर्ट असाइन करवा देता हूँ 0x2 और 3, और इसमें मैं पोर्ट असाइन करवा देता हूँ 0x1, सॉरी यहाँ पे 1 और 2, अरे मैं यहाँ पे वीलन बना रहा हूँ दो, मैंने क्या किया एक वीलन 10 बनाया, इसमें मैं पोर्ट असाइन करवा रहा हूँ 0x1 और 0x2। वीलन सबको बनाने आते हैं ना, पोर्ट सबको असाइन करने आते हैं ना, 0x3 और 0x4। इसको हम लोग वीलन को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल से, अभी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे विलेन बना रहा हूँ। विलेन एक बनाया मैंने 10,20, दो विलेन बना लिए, और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1x0x1 2 2, इसको मैं स्विच पोर्ट एक्सेस करवा देता हूँ, किस में, विलेन 10 में, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0x3 2 4, एक रेंज कमा कीवर्ड देना था आगे ना, स्विच पोर्ट एक्सेस करे किसको, विलेन 20 को, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे शो विलेन ब्रीफ, देखना ये विलन 10 में गया और ये विलन 20 में। एक काम करो यार, नो विलन 1 2 4 0 9 4 बोलो पहले तो, और एक विलन 10,20 बना लेते हैं, शो विलन ब्रीफ, अभी ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैक एजिंग टाइम पहले दिखा नहीं रहा था ना, अब यहाँ पे कितने सारे विलन क्रिएट हो रखे थे बाकियों के, दिखा नहीं रहा था ना, क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उन विलन के अंदर कोई यूजर नहीं था। शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम में दिखा नहीं रहा था, याद है तुम लोगों को, और इस बार तो दिखा रहा है ना, क्योंकि पहले इन विलेन के अंदर पहले 1 से लेके बहुत सारे विलेन बने हुए थे, वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा था क्योंकि उनमें कोई पोर्ट था ही नहीं अवेलेबल,
और इस बार पोर्ट अवेलेबल है तो दिखा रहे ना। तो देखना ये ग्लोबल एजिंग टाइम जो है ना वो सभी वीलैन के लिए होगा। अगर ये आपने ग्लोबल एजिंग टाइम चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो ये मैक एड्रेस की एंट्रीज कितने टाइम के लिए स्टोर करें, मैं बोलता हूँ कि लाइक ये कुछ ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करें। तो कैसे कैसे चेंज करोगे, मैक एड्रेस एजिंग टाइम, एजिंग टाइम मैं कितना कर दूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे लाइक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप इतना यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कितना यूज़ कर लिया, मैंने बोल दिया ये लो 1000 सेकेंड के लिए क्या करें ये, तो शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम। अरे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके ये कमांड रन करोगे तो मैक एजिंग टाइम एड्रेस आप चेंज, मैक एजिंग टाइम आप चेंज कर सकते हो। और मैं अगर चेक करता हूँ अभी तो देखना इसका ग्लोबल टाइम कितना हो गया, और यही सभी वीलैन के लिए हो गया ना। अगर आपने पर्टिकुलर वीलैन के लिए अगर मैक, अब चाहे वीलैन 10 में हो, 20 में हो, 1 में हो, कोई भी यूज़र हो, अगर उनका मैक एड्रेस अगर ये कैम टेबल में लर्न करेगा तो 1000 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा सभी के लिए। अगर आप चाहते हो कि विलेन 10 वाले के लिए मैंने मैक एजिंग टाइम चेंज करना है सिर्फ, मैंने ग्लोबली नहीं चेंज करना इस बार, मैं चाहता हूँ सिर्फ विलेन 10 वाले के लिए जो मैक एजिंग टाइम हो ना वो 2000 सेकेंड हो, सिर्फ किसके लिए, विलेन 10 के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हो यहाँ पे मैक एड्रेस एजिंग टाइम फॉर विलेन, फॉर विलेन 10, ये बोल दो। तो अब देखना यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, देखना विलेन 1 के लिए और 20 के लिए तो वही है जो हमारा ग्लोबल सेट है, जो ग्लोबल होगा वो सबके लिए सेट होगा। अगर पर्टिकुलर कोई विलेन के लिए चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। तो अब विलेन 10 में जो हमारे यूजर हैं उनके मैक एड्रेस को ये कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, 2000 सेकंड के लिए। अगर वो यूज़र आपके होल्ड पे हैं, आइडल बैठे हैं, अगर उनका कोई जैसे ही डेटा जनरेट होगा दोबारा नया, तो वो वापस से क्या कर लेगा, एंट्री को रिफ्रेश कर लेगा। समझ में आई बात, तो मैं वापस से चेंज कर दूं इस टाइमर को, अगर चेंज करना चाहते हो आप तो ये लो। फिर मैंने विलेन 10 से यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हटा दिया, और एक मैंने ग्लोबली चलाई थी ना, ये लो मैंने यहाँ से भी इस कमांड को भी नेगलेक्ट कर दिया। अगर कोई भी कमांड आपने रिमूव करनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने रिमूव करनी है, तो जो आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करी है, जो कमांड रन करी है, उस कमांड के आगे नो नो बोल दो आप। तो शो मैक एड्रेस टेबल और एजिंग टाइम, अभी देखना वही हो गया ना। और अब मैं काम करता हूँ, मैं वापस से एक नॉर्मल वीलन में लेके आता हूँ सभी पोर्ट को, इंटरफेस रेंज, अरे डिफ़ॉल्ट वीलन में लेके आ रहा हूँ, 4 1 2 4, स्विच पोर्ट एक्सेस करें किसको, वीलन विलेन 1 को, शो विलेन बी। अब सारे पोर्ट वापस से किस में आ जाएंगे, विलेन 1 में आ गए। तो अब ये सारे यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे होंगे ना, अब ये सारे यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। पिंग स्पेस 10.1.1.2, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, अब इसका रीज़न मुझे बताओ आप। किसकी वजह से पिंग नहीं हो रहे हैं, देखना अभी पिंग होने लग जाएंगे थोड़ी देर में। एक्चुअली क्या था, कोई भी पोर्ट को एक विलेन से दूसरे विलेन में जब आप मूव करवाओगे ना, तो वो पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में, एसटीपी की वजह से टाइम ले रहा है, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 30 सेकंड लेता है, हम लोग एसटीपी में डिस्कस करेंगे। अब ये टाइम लेगा एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट में, एक पोर्ट को एक विलेन से दूसरे विलेन में जब आप मूव करवाओगे, तो वो पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 30 सेकंड लेता है, वो 30 सेकंड एसटीपी की वजह से लेता है, और क्यों लेता है वो हम लोग एसटीपी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड के बाद में ही डेटा सेंड रिसीव होना स्टार्ट होता है उस पोर्ट से। तो अब देखना, अब कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया ना, तो अब देखना मैं स्विच पे आता हूँ, स्विच ने मैक एड्रेस लर्न करके होंगे सबके, शो मैक एड्रेस टेबल, मैं डायनेमिक कमांड रन कर रहा हूँ, तो सभी के मैक एड्रेस यहाँ पे लर्न किए हुए हैं ना, क्योंकि हम लोग इन यूज़र्स के बीच में क्या करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मैक एड्रेस लर्न कर ही लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी कैम टेबल क्लियर कर दूँ, आप कैम टेबल क्लियर भी कर सकते हो, देखना क्लियर मैक एड्रेस टेबल, और मैं डायनेमिक कीवर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, तो जो डायनेमिकली जो इसने एंट्री लर्न करी हुई है वो उन एंट्रीज़ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, फ्लैश आउट कर देगा, फिर ये दोबारा लर्न करेगा, अब जब दोबारा डेटा आएगा तब लर्न करेगा। अरे अब जो एंट्रीज पड़ी है ना, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, तो इसकी कैम टेबल क्या हो जाएगी, इस कमांड से क्लियर हो जाएगी। और अब बाद में यूज़र जब दोबारा डेटा सेंड करेंगे तो दोबारा मैक एड्रेस क्या कर लेगा वो। तो मैंने टेबल कर दी क्लियर, शो
मैक एड्रेस टेबल, मैं वापस से डायनेमिक कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे टू का तो मैक एड्रेस डिलीट हो गया, लेकिन अब तो वापस सबका आ गया। मैं काम करता हूँ, ये लो मैंने क्लियर किया, क्लियर क्लियर सबके क्लियर हो गए ना, दोबारा चेक करता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, देखना टू का लर्न कर लिया ऑटोमेटिकली, वन का भी, और ये तो ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस, मैंने क्या बताया था ये स्विच इन पोर्ट्स के ऊपर मैक एड्रेस कब लर्न करेगा, जब ये यूज़र डेटा सेंड करेंगे तब ना, हमने कोई डेटा ट्रैफिक जनरेट किया, ये तो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहे हैं, तो ये कैसे लर्न कर रहा है ऑटोमेटिक। देखो क्या होता है, ये जो हमारा स्विच जो होता है ना, ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के साथ में एक राउटर अटैच्ड है हमारा, है ना, ये पोर्ट नंबर लाइक 0/1 है और पोर्ट नंबर 0/0 है ना। तो तुम लोग देखते हो मैं जैसे ही इस पोर्ट को क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ, शट डाउन करता हूँ, तो इसका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ना, उसको कैसे पता चलता है, कीप अलाइव से, किससे, लाइक मैं यहाँ से पोर्ट को क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पोर्ट को नो शट करता हूँ, जैसे मैं नो शट डाउन करूंगा, ये पोर्ट ऑटोमेटिक इसका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, अप आ जाता है ना, इसको कैसे पता चलता है कि सामने से पोर्ट आपका अप हो चुका है, तो ये डिवाइस क्या करता है, कीप अलाइव मैसेज भेज रहा होता है, जैसे पोर्ट अप आएगा इमीडिएटली ये क्या भेज देगा, इसको एक कीप अलाइव भेजेगा, जैसे इसको कोई कीप अलाइव रिसीव होगा, इसको पता चल जाएगा सामने वाला पोर्ट जो है वहाँ पे यूजर जो है वो कोई अटैच हो चुका है, पोर्ट आपका अप आ चुका है, जैसे पोर्ट आपका अप आएगा राउटर का, पोर्ट अप आते ही कीप अलाइव मैसेज भेजेगा, कीप अलाइव मैसेज भेजते इसको पता चल जाएगा पोर्ट क्या हो जाएगा आपका अप हो जाएगा। इवन देख सकते हो आप, मैं आपको अप्रूव करके दिखा सकता हूँ, ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को मैं जैसे ही शट डाउन करूंगा, सामने स्विच पे पोर्ट क्या हो जाएगा, डाउन, जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखना पोर्ट नंबर 0/1 क्या हो चुका है, डाउन है ना। और जैसे ही मैं इस पोर्ट को अप करूंगा, इवन यहाँ पे लॉग मैसेज भी आ जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं जैसे ही इस पोर्ट को नो शट बोलूंगा, नो शट बोलते ही इमीडिएटली क्या भेजेगा, कीप अलाइव भेजते ही देखना, अरे नो शट कर दिया गया उसको, देखना इसने क्या भेज दिया, एक कीप अलाइव मैसेज भेजा, कीप अलाइव मैसेज भेजते ही इसको पोर्ट को क्या कर दिया, इसने अप कर दिया, तो जो कीप अलाइव मैसेज हो जाता है ना, वो जो कीप अलाइव मैसेजेस जो होते हैं आपके, वो लेयर टू मैसेजेस होते हैं, कीप अलाइव एक प्रोटोकॉल है जो कि आफ्टर एवरी 60 सेकेंड क्या भेजता रहता है, सॉरी आफ्टर एवरी 10 सेकेंड क्या भेज रहा होता है, कीप अलाइव मैसेजेस भेज रहा होता है सामने वाले को बताने के लिए कि मैं क्या हूँ यहाँ पे, अभी भी अलाइव हूँ, कीप अलाइव मतलब हाँ मैं अभी भी यहाँ पे जिंदा हूँ, तुम अपने पोर्ट को क्या रखो, अप रखो, डाउन मत करना, तो आफ्टर एवरी 10 सेकेंड इसको क्या भेज रहा होगा, वो कीप अलाइव भेज रहा होगा, और जैसे ही पोर्ट यहाँ पे अप आएगा, नो शट करोगे, नो शट करते ही एक ट्रिगर्ड क्या भेज देगा, कीप अलाइव भेज देगा, और ये जो कीप अलाइव प्रोटोकॉल है वो किस पे काम करता है, लेयर टू पे, किस पे काम करता है, लेयर टू पे, तो लेयर टू पे जब डेटा फ्रेम जाएगा तो उसमें एक इथरनेट हेडर भी तो ऐड होगा, लेयर टू पे सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा इस इंटरफेस का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, तो जैसे ही ये कीप अलाइव मैसेज यहाँ पे आएगा तो सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए, तो ए यहाँ पे लर्न कर लेगा ही नहीं करेगा, अरे जैसे ही कोई डेटा फ्रेम रिसीव हुआ स्विच को, सबसे पहले वो क्या करेगा, एड्रेस लर्निंग ना, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए लग के आ रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस वाले पोर्ट पे मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात, तो कीप अलाइव की वजह से वो क्या कर रहा है, मैक एड्रेस को ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, शो मैक एड्रेस टेबल, मैंने डायनेमिक बोला, तो देखना मैक एड्रेस लर्न क्यों है, मैं मैक एड्रेस क्या कर रहा हूँ इसका, क्लियर शो मैक एड्रेस टेबल, क्लियर कर दिए, मैं दोबारा चेक करता हूँ, देखना शो मैक एड्रेस टेबल, वो 60 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद में जैसे कीप अलाइव दोबारा भेज रहा है, तो देखना, अरे ये डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, ये डिवाइसेस यहाँ से हर 10 सेकेंड के बाद में क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे कीप अलाइव भेज रहे हैं, और कीप अलाइव जब जाते हैं ना, तो डेस्टिनेशन मैक लेयर टू पे काम करते हैं ये कीप अलाइव, जिसमें अगर लेयर टू पे जो प्रोटोकॉल काम करेगा, वहाँ पे इथरनेट हेडर ऐड होगा ना, लेयर टू हेडर ऐड होगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा इसका खुद का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस लगा के भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही कोई फ्रेम आएगा वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, सोर्स मैक एड्रेस को चेक करते ही वो मैक एड्रेस लर्न कर लेगा ना। इवन देख लो, मैं कीप अलाइव दिखा देता हूँ, ये लो इंटरफेस, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पे कीप अलाइव, और यहाँ पे सेट है, और कितने टाइम बाद में भेज रहा है, उसका पीरियोडिक टाइम कितना है, 10 सेकेंड, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड वो क्या भेज रहा है वहाँ पे, कीप अलाइव भेज रहा है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मैक एड्रेस को लर्न कर रहा है। अब एक काम करते हैं, ये कीप अलाइव मैं बंद कर दूँ, मैं R1 पे वो कीप अलाइव बंद कर दूँ इस इंटरफेस से,
अरे कर सकते हो ना, ये लो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 से मैं की पलाई बंद भी कर सकता हूँ, नो की पलाई भी, ये लो। मैंने जैसे ही नो की पलाई बोला, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 R1 पे, ये देखना की पलाई क्या हो गई, नोट सेट। तो अब कोई की पलाई मैसेज आएगा स्विच 1 पे, तो अब डायनेमिकली मैक एड्रेस लर्न नहीं करना चाहिए ना इसको। तो चलो स्विच 1 पे और शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। इसने मैक एड्रेस लर्न किया है ना पहले, ये तो ऑलरेडी पहले वाले लर्न किए हैं, इनको 300 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। मैंने बोला क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक और मैं बोलता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल। देखना 3 पे 4 पे लर्न कर लिया, 2 पे लर्न कर लिया, 1 पे नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि की पलाई नहीं आ रहा, वो तो 10 सेकंड हो गए होंगे ना, तो कोई की पलाई आ रहे हैं? नहीं आ रहा, की पलाई नहीं आ रहा, तो मैक एड्रेस लर्न कर रहे हैं। अरे कितना टाइम हो गया ना, बट देखना अभी क्या होगा थोड़े टाइम बाद में। अरे मैक एड्रेस लर्न नहीं हो रहा डायनेमिकली, क्यों? क्योंकि की पलाई क्या हो चुका है, डिसेबल, बंद, ऑफ कर दिया। बट देखना ये तो आ गया मैक एड्रेस, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? की प्ले तो हमने बंद कर दिए थे। तो होता गया, तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि इन डिवाइसेस के ऊपर सीडीपी भी क्या होता है, याद है ना सीडीपी तुम लोगों को? हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीडीपी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीडीपी भी क्या है, इनेबल्ड है। तो ये अपना सीडीपी का भी तो मैसेज भेजेगा आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, तो उसमें सोर्स मैक एड्रेस अपने इंटरफेस का रहेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और इसने इस बार यहाँ पे इस इंटरफेस पे जो डायनेमिकली जो मैक एड्रेस लर्न किया ना, वो कीप अलाइव से नहीं किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में लर्न किया ना इसने। कीप अलाइव तो 10 सेकंड में आ जाना चाहिए था, वो तो ऑफ हो चुका है। इससे ये तो प्रूव हो गया कि कीप अलाइव से तो लर्न किया नहीं है। तो सीडीपी भी तो मैसेजेस जा रहे हैं यहाँ पे, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। बताया था ना मैंने कौन सा मैक एड्रेस यूज़ करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे फ्रेम आएगा वो देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है। फ्रेम आते ही सबसे पहला काम यही होता है एड्रेस लर्निंग का, सोर्स मैक एड्रेस क्या है जो भी है वो यहाँ पे क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। तो उसकी वजह से ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मैक एड्रेसेस को लर्न कर रहे हैं। तो अब एक काम करें, R1 से मैं कीप ये CDP भी डिसेबल कर दूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। कैसे CDP डिसेबल करते थे, नो CDP इनेबल, ये कमांड चलती थी ना, तो CDP डिसेबल कर दिया। आप कोई CDP तो मैसेज जा नहीं रहा होगा, जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा? शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है ना 0x1 पोर्ट पे, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। मैंने क्लियर की टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, ये तो कीप अलाइव से या CDP से जो भी है ये लर्न कर रहे हैं 0x4 पे, 0x3 पे, 0x2 पे, इस बार लर्न होगा 0x1 पोर्ट पे। अब वेट करते रहो भले ही जितना मर्जी, क्योंकि CDP भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिसेबल कर दिया, अब मैक एड्रेस नहीं लेगा। चलो 60 सेकंड का वेट कर लेते हैं हम लोग। अरे 60 सेकंड का, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड का वेट कर सकते हैं ना, तो वेट करो थोड़ा। अभी आऊँगा उस पर, आऊँगा, टेंशन ना ले, मुझे पता है। पहले ये तो देखो, अरे नहीं कर रहा ना मैक एड्रेस लर्न, तो अब कब करेगा मैक एड्रेस लर्न? जब ये यूजर कुछ डेटा फॉरवर्ड करेगा, देख लें इसको। अब मैं जैसे ही R1 से मैं कोई भी डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करता हूँ, मैं किसी को भी कम्युनिकेट करता हूँ, इवन अभी देखना कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं किया हुआ ना, और मैंने जैसे ही यहाँ से किसी को पिंग किया, तो सोर्स मैक एड्रेस क्या रख के जाएगा, इसका खुद का। और देखना मैक एड्रेस लर्न कर लिया इसने, है ना? लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे तो एक ये राउटर अटैच्ड है, यहाँ पे क्या अटैच है, राउटर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर पे कोई कीप अलाइव जाते हैं? नहीं, कंप्यूटर से कोई कीप अलाइव नहीं जा रहे होते, ठीक है? तो इसीलिए स्विचेस के पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, नो शटडाउन ही होते हैं,
है ना, तो कंप्यूटर से वैसे कोई कीप अलाइव नहीं जा रहा होता, पहली बात तो ये ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इन हमारे एंड यूज़र के ऊपर ना ही कोई CDP प्रोटोकॉल चल रहा होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न करना चाहिए उसको, नहीं करना चाहिए ना। फिर होता क्या है, कैसे, और ये फिर इसका मतलब तो ये यूज़र जब डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा तभी मैक एड्रेस क्या होगा, लर्न होगा ना। उसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे रीज़न होते हैं ऑटोमेटिक मैक एड्रेस लर्न करने के, वो क्या होते हैं वो बात करते हैं। देखो जैसे इस कंप्यूटर को आप कोई भी IP एड्रेस असाइन करोगे, लाइक मैंने एक IP असाइन किया 10.1.1.1, जैसे आप इसको एक IP असाइन करोगे तो ये मशीन क्या करता है, सबसे पहले एक IP असाइन करते ही, जैसे आप कोई IP असाइन करते हो, IP असाइन करते ही एक ग्रेसियस आर्क जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, एक ग्रेसियस आर्क जनरेट करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, एक आर्क मैसेज जनरेट होगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस, सॉरी सोर्स IP एड्रेस क्या रहेगा, जो आपने यहाँ पे IP इंप्लीमेंट किया है 10.1.1.1, और डेस्टिनेशन IP भी क्या रहेगा 10.1.1.1। उस आर्क मैसेज के अंदर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0.0.0.0, और वो देगा Layer 2 को, Layer 2 पे सोर्स मैक एड्रेस अपना और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल F, इसकी एक कॉपी जाएगी स्विच के पास में, स्विच क्या कर देगा इसकी एक कॉपी सभी पोर्ट पे क्या कर देगा, फ्लड कर देगा, ब्रॉडकास्ट फ्लड कर देगा। अगर नेटवर्क में कोई 10.1.1 डॉट हुआ Layer 2 पे, सारी मशीन उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। फिर जैसे ही वो देखेंगी कि आर्क का मैसेज है, आर्क मैसेज ओपन होगा, वो चेक करेगा, सभी मशीन चेक करेगी डेस्टिनेशन IP क्या है उसमें 10.1.1.1 है, तो जो 10.1.1.1 नहीं होगा वो तो सारे क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और जो 10.1.1. अगर नेटवर्क में हुआ तो उसको रिप्लाई देगा ना, रिप्लाई यहाँ पे आते ही इसको पता चल जाएगा ना IP एड्रेस क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब डुप्लीकेट ये IP एड्रेस नेटवर्क में कोई और भी यूज कर रहा है, तुम क्या कर लो अपना IP एड्रेस क्या कर लो, चेंज कर लो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे ही आप कोई IP एड्रेस इंप्लीमेंट करोगे, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करती है मशीन, एक ग्रेसिस आप जनरेट करती है। अगर हमारे नेटवर्क में वो 10.1.1.1 किसी ने IP नहीं दिया हुआ तो उसका रिप्लाई मिलेगा नहीं इसको, अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो इसका मतलब इसको पता चल गया ना ये IP एड्रेस नेटवर्क में कोई और नहीं यूज कर रहा, तो ये IP यहाँ पे क्या कर लेता है, ये असाइन कर देता है। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई IP एड्रेस इंप्लीमेंट करोगे, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करते ही ये ग्रेसिस आप जनरेट करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, खुद का A, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा ऑल F, फ्रेम आएगा। जैसे ही यहाँ पे फ्रेम आते ही यहाँ पे मैक एड्रेस क्या कर लेगा, सोर्स मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। समझ में आई बात। तो जैसे ही आप कोई भी मशीन पे आप IP एड्रेस इंप्लीमेंट करते हो, IP एड्रेस इंप्लीमेंट करते ही वो क्या करता है, मैक एड्रेस ऑटोमेटिक लर्न कर लेता है। और लाइक फॉर एग्जाम्पल डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड ही नहीं किया इसने, और जैसे ही लाइक ये मशीन, मेरी मशीन क्या थी, शट डाउन थी, जैसे ही मशीन ऑन होगी, ऑन होती है लैन कार्ड एक्टिव आएगा, लैन कार्ड एक्टिव आते ही इसके ऊपर एक IP एड्रेस हमने सेट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस IP को एक्टिव करने के लिए पहले क्या जनरेट करेगा, जब भी आपकी मशीन ऑन होगी ऑन होती उस पे जो आपने IP असाइन किया हुआ है उसके लिए वो क्या जनरेट करेगा, एक ग्रे हिसाब जनरेट करेगा ही करेगा डुप्लीकेट IP चेक करने के लिए कि नेटवर्क में ये IP एड्रेस किसी और ने तो यूज नहीं किया हुआ। तो जैसे ही फिर वो ग्रे हिसाब जनरेट करेगा, मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। समझ में आई बात। इसके अलावा लाइक हमने यहाँ पे IP ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है, क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ऑब्टेन एन IP ऑटोमेटिक, इसका IP कौन देगा, DHCP सर्वर। तो जैसे ही मशीन ऑन होगी, मशीन ऑन होती इसका लैन कार्ड एक्टिव आएगा, यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है, ऑब्टेन एन IP ऑटोमेटिक, तो ये क्या जनरेट करेगा, एक डिस्कवर मैसेज जो कि क्या रहता है, ब्रॉडकास्ट, सोर्स मैक एड्रेस इसमें क्या रहेगा, खुद का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ, Layer 2 के ऊपर अगर मैं बात करूँ, फ्रेम जैसे ही यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक मैक एड्रेस यहाँ पे क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। तो विदाउट डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करे हुए जैसे ही आपकी मशीन्स अप आएंगी, अप आते ही ये मैक एड्रेसेस क्या कर लेती हैं, डायनेमिकली ही लर्न कर लेती हैं। समझ में आ गई बात। हाँ बोलो। जैसे सर हमने फर्स्ट टाइम राउटर भी ऐड किया जैसे, हाँ, तो वो जैसे हम उसको नो सेट करते हैं तो वो अपने कीप लाइव मैसेज सेंड करेगा, तो सर उससे वो मैक टेबल जनरेट, उससे मैक टेबल क्यों नहीं जनरेट हो सकता, वो तो रही थी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम भी होगी, क्यों नहीं होगी, होगी, CDP भी चल रहा है, हाँ विदाउट मैसेज किए हुए हो जाएगी, किसने बोला नहीं होगी, मैंने दिखाई नहीं उस टाइम, मैं पहले तुम्हारे वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, आर्प वाले, हमने कम्युनिकेशन कर लिया था उनके बीच में, लेकिन पहले उन्होंने मैक एड्रेस लर्न किया हुआ था वहाँ पे। समझ में आ गई बात। इवन देखना है, ये लो मैं काम करता हूँ, मैं स्विच पे गया, ये लो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1.2,
ये लो मैंने शट डाउन कर दिया। अब मैं जैसे ही नो शट करूँगा मशीन नहीं अप आएंगी ना दोबारा, बात आ रही है समझ में? तो जैसे ही नो शट करूँगा तो ये लो कीप अलाइव मैसेजेस एक्सचेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, वेट कर लो। ठीक समझ में आ गई बात? बट आर वन का लर्न नहीं कर रहा मैक एड्रेस, क्यों नहीं लर्न कर रहा? क्योंकि हमने इस पे की अप्लाई क्या किया है, और मैं जैसे इस पे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0x0 पे कोई और आईपी इंप्लीमेंट करता हूँ और ना राउटर का वैसे बिहेवियर भी थोड़ा अलग होता है। मैंने आईपी चेंज किया इसके ऊपर, जैसे ही आईपी चेंज किया ग्रेसी सर बात आ गई समझ में? तो हो गया प्रूफ, ठीक है वेरी गुड। इसके अलावा हम लोग स्टैटिकली भी एंट्री डाल सकते हैं, बताया था ना अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग को अगर आप लोगों ने अवॉइड करना है कि स्विच आपका अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग परफॉर्म ना करे, तो इसके लिए एक तो मैक एजिंग टाइम बढ़ा सकते थे मैंने बताया था, और एक स्टैटिकली एंट्रीज डाल सकते हैं। तो ये लो शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, ये लो आर कौन से की डाल दें, आर फोर की एंट्री डाल दें, आर फोर की एंट्री मैं स्टैटिकली डाल देता हूँ। तो कैसे डालोगे? मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, और यहाँ पे मैक एड्रेस बताओ ये कौन से वीलैन में है, वीलैन वन में है ना, और कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इंटरनेट 1x0x4। अरे इंटरफेस FA 1x0x4, ये लो, ये मैंने स्टैटिक एंट्री डाल दी। अगर कैम टेबल के अंदर डायनेमिकली भी एंट्री थी पहले और मैंने स्टैटिकली भी डाल दी, तो प्रेफरेंस पहले ज़्यादा किसको मिलेगी? जो आप काम स्टैटिक करते हो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना। तो ये लो फिर शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, डायनेमिकली इसने आर फोर का मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है नहीं? अरे शो मैक, शो मैक एड्रेस टेबल, ये लो समझ में आ गई बात? और कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा, ये लो आर फोर से मैं कम्युनिकेट करवा के देख लेता हूँ। पिंग स्पेस 10.1.1.4, ये लो कम्युनिकेशन भी हो रहा है। पहला पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ? इसके पास में तो ऑलरेडी, इसके पास में तो ऑलरेडी आर फोर का एआरपी टेबल में एंट्री पड़ी थी। शो आर किसकी एंट्री है? सिर्फ आर फोर की, पहले वाली एंट्रीज कहाँ गई? मैंने बताया था एआरपी टेबल में तो फोर आवर्स के लिए एंट्री को स्टोर करता है, आर टेबल में ये मैक एड्रेस की एंट्रीज को कितने टाइम के लिए स्टोर करता है? ये वर्चुअल मेमोरी में एक्चुअली स्टोर होता है, कैशे में, ठीक है। तो एक बार ये इंटरफेस डाउन हो चुका था, जब कोई इंटरफेस डाउन होता है ना उस इंटरफेस पे जो भी आर्प एंट्री उसने बनाई हुई है उस टेबल में, जो आर्प टेबल में जो भी एंट्री बनाई हुई है मैक एड्रेसेस की वो भी डिलीट कर देता हूँ। अरे नहीं बात समझ में आई, आर टू ने शो आर्प, इसमें कोई टेबल में एंट्री है नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार इंटरफेस डाउन हो चुका था। ये लो मैं थ्री को कम्युनिकेट करता हूँ एंट्री आ जाएगी, मैं फोर को कम्युनिकेट करता हूँ एंट्री आ जाएगी, शो आर्प आ गई ना एंट्रीज। और मैं जैसे ही इस इंटरफेस को 0x0 को एक बार शट करूँगा, एक्चुअली ये जो आर्प टेबल जो स्टोर होती है वो कैसे में स्टोर होती है, इस इंटरफेस के ऊपर इसने ये टेबल बनाई है ना, तो अगर ये इंटरफेस डाउन होके अप आएगा तो इसकी, जैसे आप इस इंटरफेस को आप डाउन करोगे तो शो आर्प, देखना। या फिर आप ये भी बोल सकते थे क्लियर आर्प कैशे, क्लियर आर्प कैशे बोलते तब भी क्लियर हो जाती। इवन ये लो मैं आर टू पे गया, शो आर्प में देखना, इसको टेबल में दिखा रहा है ना मैक एड्रेस, क्लियर आर्प कैशे मैंने बोला और शो आर्प बोला, नहीं गई, ये लो
दो तीन बार करनी पड़ेगी, नहीं गई, अरे गई एंट्री, वो दोबारा एंट्री लर्न करी है, और भी सारा ट्रैफिक जा रहा है। ये देखना पहले 1 मिनट हो रखा था ना, 1 मिनट के लिए था ना, और जैसे मैंने इसको क्लियर बोला तो कितना टाइम दिखा रहे हैं। अरे दोबारा लर्न किया, देखना शो आर, अभी टाइम बढ़ने दो इसका। पहले एक काम करो, आर फोर पे चेक कर लो, आर फोर की एंट्री दिखा देता हूँ मैं, शो आर कितने टाइम के लिए लर्न की हुई है, आर टू की एंट्री। मैं क्लियर आर कैसे करता हूँ, जैसे ही हटा देना, बट वो पता नहीं क्यों लर्न कर रहे हैं। अरे ये राउटर का बिहेवियर अलग ही होता है कुछ। बाकी एक मशीन पे अगर आप क्लियर करोगे तो एंट्री तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इस तरह से स्टैटिक एंट्री भी डाल सकते हो, शो मैक एड्रेस टेबल के अंदर इन सभी के मैक एड्रेस लर्न किया है ना इसने, तो ये आपस में सारे आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। आप एक और काम कर सकते थे, ये जब एंट्री डाली थी ना आपने, मैं इस एंट्री को पहले हटा दूँ, आर फोर की एंट्री को मैंने हटा दी इस एंट्री को, तो अब ये क्या करेगा, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, अब ये डायनेमिकली लर्न कर ली इसने। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लो मैंने बोला क्या, इस मैक एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं जब मैक एड्रेस की एंट्री डाल रहा हूँ, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, ये मैक एड्रेस ना, और विलेन वन के लिए आगे एक ड्रॉप कीवर्ड डाल दिया मैंने, आगे मैंने क्या बोल दिया, शो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक या शो मैक एड्रेस टेबल है ना। तो अब क्या होगा, आर फोर जब भी अपने मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस से जब भी इसके पास में कोई रिक्वेस्ट आएगी, उस ट्रैफिक को क्या करता रहेगा, ड्रॉप। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आया, तो ड्रॉप कीवर्ड भी आप ऐड करवा सकते हो अगर आप चाहते हो। कोई पर्टिकुलर मैक एड्रेस को अगर आप लोगों ने हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना, कोई लैपटॉप लेके आ रहा है और मेरे स्विच से वो कनेक्ट कर लेता है बार बार जब भी आता है ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, तो आप यहाँ पे ये एंट्री डाल सकते हो, उसका मैक एड्रेस क्या है, जैसे डायनेमिकली वो मैक एड्रेस लर्न कर रखा है, आपको पता है ये हमारा कोई वैलिड यूज़र तो है नहीं, तो उसको आप इस तरह से क्या करवा सकते हो, ड्रॉप करवा सकते हो। तो अब वो यूज़र हमारे नेटवर्क में किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा ना। समझ में आ गई बात, हटा दें इस एंट्री को वापस से। तो अब जैसे ही मैंने इस एंट्री को रिमूव किया, एंट्री को रिमूव करते देखना, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, लाइक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 वाला पोर्ट जो है, देखो यहाँ पे डिटेल चेक करो, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट है ना, इस पे डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स है, क्या है, फुल डुप्लेक्स है ना। अरे ये डुप्लेक्स पता है ना क्या है, फुल का क्या मतलब होता है, एट ए टाइम इस पोर्ट से डेटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं सामने वाले डिवाइस पे चलता हूँ R1 पे, और शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और इस पे भी डुप्लेक्स क्या दिखा रहे हैं, फुल। मैं इस पे चेंज कर दूँ डुप्लेक्स, मैं इस पे डुप्लेक्स चेंज कर दूँ क्या, वेट करो, फिर ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, नेम रेजुलेशन करवा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे, मैं यहाँ पे जो इसका डुप्लेक्स जो सेट कर रहा हूँ, मैं हाफ़ सेट कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही इसको हाफ़ बोला यहाँ पे, मैं स्विच 1 पे गया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1,
इसने भी अपने आप को किस पे ले आया, ये हाफ पे ले आया। एक्चुअली यहाँ पे फुल नहीं सेट था, यहाँ पे एक्चुअली ऑटो सेट था। क्या सेट था? ऑटो। अगर सामने वाला पोर्ट जो है वो अपने आप को हाफ पे लेके आएगा तो ये अपने आप को हाफ पे ले आएगा, और सामने वाला अगर फुल पे है तो अपने आप को फुल पे ले आएगा। अगर दोनों जगह पे ऑटो है तो दोनों फुल पे ही लेके आते हैं वैसे, ठीक है। नेगोशिएट करेगा ये अपने आप को सामने वाले के अकॉर्डिंग। देखना मैं आर वन पे गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और मैंने डुप्लेक्स क्या बोल दिया? फुल। मैंने जैसे ही फुल डुप्लेक्स बोला, स्विच वन पे चलना और इस बार चेक करना, अपने आप को फुल पे ले आया। अरे बात आ रही है समझ में? और मैं यहाँ पे आर वन पे चल लो, यहाँ पे आप डुप्लेक्स क्या क्या सेट कर सकते हो देखना, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है। तो ऑटो कर दूँ मैं वापस से यहाँ पे, तो दोनों अपने आप को किस पे ले आएंगे? फुल पे नेगोशिएट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आप ये डुप्लेक्स क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 स्पीड का कितनी दिखा रहा है, 100 Mbps। और सामने वाले डिवाइस पे भी देखना आर वन पे कितनी दिखा रहा है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट पोर्ट आया तो ऑब्वियस ही बात है कितनी दिखा रहा होगा, 100 Mbps। और मैं जैसे ही यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये लो मैं स्पीड भी चेंज कर सकता हूँ ना, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और आप क्या बोलते हो स्पीड मैंने यहाँ पे क्या कर दी, 10 Mbps। तो सामने वाले पे भी क्या हो जाएगी, सामने वाला अपने आप को स्पीड को भी क्या करता है, ऑटो नेगोशिएट करता है, क्या करता है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे, अरे 1/0/1 है ना। तो देखना यहाँ पे 10 पे ले आया, और मैं सामने वाले पे क्या सेट करता हूँ, स्पीड 100, तो अपने आप को किस पे ले आया ये, 100 पे। और मैं अगर यहाँ पे क्या बोलता हूँ स्पीड, देखना एक और ऑप्शन आ रहा है किस चीज़ का, ऑटो। ऑटो बोलेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो 100 Mbps स्पीड को क्या कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। 100 वाले पे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, दोनों नेगोशिएट कर लेंगे, देखना। और ये काम आप यहाँ पे भी स्विच पे भी परफॉर्म कर सकते थे, है ना। समझ में आ रही है बात मेरी? कीप अलाइव, एक मैंने क्या बताया था, ट्रिगर्ड भी जाते हैं, है ना, ट्रिगर्ड भी जाएगा। तो सर ये फास्ट और गीगाबाइट पोर्ट में, अगर एक फास्ट पोर्ट होगा गीगाबाइट पोर्ट, तो वो किस पे कर लेंगे नेगोशिएट, 10 MB पे, 100 Mbps पे। अच्छा कम वाले, हाँ कम, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे मैं पोर्ट पे इस पे कौन कनेक्टेड है, कौन राउटर कनेक्ट है, एक एंड यूज़र कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है, आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो, लाइक दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू राउटर वन या पीसी वन, जो भी है, ठीक है। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट लाइक, आप ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो कोई भी पोर्ट पे स्विच, ये जो आपका पोर्ट है डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू लाइक सर्वर, दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू राउटर, है ना। और ये आप चेक भी कर सकते हो कैसे, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखाता रहता है। या फिर शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन कमांड में आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखा देगा, अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते थे शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट। समझ में आई बात? और ये जो हमारे जितने भी इंटरफेसेस होते हैं उनके ऊपर एक मैक एड्रेस होता है, देखना ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस है, और ये एक बाया मैक एड्रेस है, बाया मतलब बर्न इन एड्रेस, ये फिक्स रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप इस वाले एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो, ये चेंज हो जाएगा ये, लेकिन ये बाया चेंज नहीं होगा। जो बाया जो होता है वही क्या होता है आपका,
इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है। अगर आपने टेम्परेरी अगर आपने इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो, बट ये नहीं चेंज होगा, ये फिक्स्ड होता है हमेशा। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं मैक एड्रेस पता है क्या? ये लो R1 का मैक एड्रेस मैं चेंज कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आप क्या बोलोगे, मैक क्या बताना, 0/0/0 इसी फॉर्मेट में देना ना। मैंने ये मैक एड्रेस सेट कर दिया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। और अब अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ 10.1.1.2 को, कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। एक्चुअली पोर्ट एक बार डाउन हो गया, अगर आप ये मैक एड्रेस चेंज करते हो ना तो एक बार पोर्ट डाउन हो गया पाता आता है इसका, तो वेट कर लो। फिर कितना टाइम का वेट करना पड़ेगा, 30 सेकेंड। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, देखना कम्युनिकेशन होने लग गया ना। और अब देखना अब ये मैक एड्रेस क्या लर्न करेगा, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। तो आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो इंटरफेसेस के। तो वापस ये कमांड हटा दूं मैं, और अब मैं स्विच वन पे जाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। और एक बार पोर्ट डाउन हुआ, पोर्ट डाउन होते ही क्या हुआ, मैक एड्रेस चेंज करती, पोर्ट डाउन हुआ है ना, पोर्ट डाउन होते ही वो एंट्री क्या होगी, अगर कोई स्विच का कोई इंटरफेस डाउन जाता है, डाउन होते ही उस इंटरफेस पे जो भी मैक एड्रेस उसने लर्न किए हैं वो सारे के सारे मैक एड्रेस क्या कर देगा, रिमूव। जो डायनेमिकली लर्न किए हैं, जो मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न किए हैं वो मैक एड्रेस क्या हो जाएंगे, रिमूव। जो स्टैटिकली लर्न किए हैं वो तो रनिंग कॉन्फिग में स्टोर है, आपका कैशे में स्टोर नहीं है, वो रनिंग कॉन्फिग के अंदर भी स्टोर है, तो वो आपको दिखाएगा मैक एड्रेस, परमानेंटली रहेंगे वो जब तक आप उनको मैनुअली रिमूव नहीं कर देते। समझ में आगे बात, ठीक है। सर मैक एड्रेस चेंज करने में क्या फायदा होगा, वो बाया तो कभी चेंज नहीं होता। बाया चेंज नहीं होगा बट रिक्वायरमेंट आ जाती है, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, मैं आप लोगों को सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप, स्मार्ट पोर्ट एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हैं। स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है वो बात करते हैं। देखो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक स्विच है और स्विच पे काफ़ी सारे पोर्ट हैं और वहाँ पे एक वीलन है, वीलन कौन सा 10, और ये सेल्स डिपार्टमेंट का है, इसका नेम क्या है वीलन का, सेल्स है। और इसमें पोर्ट कौन कौन से हैं, इसमें पोर्ट ये हैं सारे, लाइक 0/3 पोर्ट को, 0/3 पोर्ट पे एक सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है, और एक 0/7 पोर्ट पे भी सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है, एक 0/9 पोर्ट पे भी एक सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है, और एक 0/11 से लेके 15 नंबर पोर्ट तक भी सेल्स के यूज़र कनेक्टेड है, और एक 0/19 नंबर पोर्ट पे भी या 18 नंबर पोर्ट पे भी एक सेल्स का यूज़र कनेक्टेड है। और तुम लोगों को पता होगा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज लगती है वो सारी की सारी सेम ही लगती है ना। मोस्टली जो भी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन इन सभी पोर्ट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, क्योंकि ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं, मैं मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपने ये सारे के सारे पोर्ट सेल्स विलेन में ऐड करवाने हैं, या फिर लाइक सेल्स विलेन का मैंने विलेन चेंज कर दिया, विलेन 20 बना दिया, विलेन 20 को सेल्स का विलेन बना दिया हमने, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे पोर्ट क्या करने पड़ेंगे, मूव करने पड़ेंगे। अब हमें याद रहेगा क्या कि विलेन, अब देखो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैंने इन सभी पोर्ट को जो सेल्स के जो यूज़र हैं उनको सबको कहाँ पे ऐड करवाना है, विलन 20 में ऐड करवाना है। तो अब आपको याद रहेंगे कौन कौन से पोर्ट हैं सेल्स के, नहीं याद रहेगा ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। या फिर आप बोल सकते हो लाइक सेल्स के जो ये यूज़र जो हैं जितने भी उनके ऊपर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उन सभी पोर्ट पर जाना पड़ेगा ना, तो इन सभी पोर्ट पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप कैसे जाओगे इन सभी पोर्ट पर, कुछ इस तरह से कमांड रन करोगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/3 कॉमा FA 1/0/7 कॉमा FA 1/0/9 कॉमा
एफ ए 1/0/11 टू 15 कॉमा एफ ए 1/0/18। ये मल्टीपल पोर्ट पे गए, हमें देखना पड़ा ना ये सब कुछ। क्या मुझे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। अब मैंने इस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी लाइक स्विच पोर्ट, मोड एक्सेस, आने वाले टाइम में बात करेंगे हम लोग, बहुत सारी हम लोग यहाँ पे कमांड्स रन कर सकते हैं। तो अब विलन 10 वालों के लिए सभी के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो सेम रहेगी। तो बट हमें याद नहीं है पोर्ट नंबर, हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा यार इस विलन 10 में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, जिनको फिर मैं क्या करवाऊँगा, उन सभी पोर्ट पर ये रेंज कमांड चलाऊँगा और मैं मैनुअली सभी पोर्ट पर जाना पड़ेगा ना हमें। तो आप एक काम कर लो, आप इन मल्टीपल पोर्ट का क्या बना लो, एक ग्रुप बना लो। मल्टीपल पोर्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। और हम लोग अब वो ग्रुप कैसे बनाएंगे, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप। अब मैं इन मल्टीपल पोर्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं उस ग्रुप पे चला जाऊंगा। अब मैं उस ग्रुप पे चला जाऊंगा तो ऑटोमेटिक उन पोर्ट पे चला जाऊंगा ना। अरे बात आ रही है मेरी समझ में? तो अब ये ग्रुप कैसे बनाते हो, स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप बनाओगे कैसे वो बात करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, मैंने बोला डिफाइन मैक इंटरफेस रेंज ग्रुप नेम। ग्रुप नेम मैंने क्या दे दिया, लाइक टेस्ट दे दिया, या फिर ये लो विलन 10 से दे दिया मैंने, या फिर सेल्स दे दिया। मतलब मैं सेल्स के सारे पोर्ट इसमें क्या करवा रहा हूँ, इस ग्रुप में ज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आप बोलोगे यहाँ पे क्या पोर्ट्स असाइन करवाने हमने, क्या आप क्या बोलोगे, इंटरफेस सॉरी फास्ट इथरनेट 1/0/1 एक तो 3 था, कॉमा एफ ए 1/0/1 एक तो एक था 7 और एफ ए 1/0/9 कॉमा और एफ ए 1/0/11 टू 15 और कॉमा एफ ए 1/0/18 डू शो हिस्ट्री। मैंने ये कमांड चलाई क्या, मैंने बोला डिफाइन इंटरफेस रेंज और ये स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप को एक नेम दे दिया मैंने, जो भी आपने इंटरफेस इसमें ऐड करवाने इस ग्रुप में ऐड करवा लिए सारे। अरे इस तरह से हम लोग इंटरफेसिस को ऐड करवा सकते हैं ना, ऐड करवा लेंगे। उसके बाद में अगर इन मल्टीपल पोर्ट पे जाना है आपने, तो अब इन पोर्ट को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस रेंज मैक्रो और मैक्रो ग्रुप नेम क्या था, सेल्स। ये लो मैं मल्टीपल रेंज पे हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ देखना स्विच पोर्ट, मैं कह रहा हूँ एक्सेस करिए किसको, मैं बोल रहा हूँ विलन 100 को एक्सेस कर ले, है ना। तो देखना शो विलन ब्रीफ, तो यही सारे पोर्ट गए हैं ना इधर। तो अब ये इंडिविजुअल पोर्ट्स पे जाने की ज़रूरत है हमें। ये लो इंटरफेस रेंज मैक्रो ग्रुप नेम क्या था, सेल्स। ये लो स्विच पोर्ट हमारा एक्सेस करे किसको, विलन 10 को, देखना शो विलन ब्रीफ। मैंने क्या बोला, इंटरफेस रेंज मैक्रो ग्रुप नेम क्या था, सेल्स। स्विच पोर्ट एक्सेस करे विलन किसको, 1 को, शो विलन ब्रीफ, देखना। अरे बात आ रही है समझ में? तो हम लोग ये जो हमारे इंडस्ट्री में आपकी कंपनी में जो भी विलेंस बने हुए हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या कर लो आप। अरे जो भी विलेन बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उनका पोर्ट्स का क्या बना लो आप, इस तरह से ग्रुप बना सकते हो। समझ में आ गई बात? अब याद रखने की जरूरत नहीं है यार आपको पोर्ट्स, या फिर शो विलेन ब्रीफ में जाके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें कौन कौन से विलेन पोर्ट्स हैं आपके। आपने एक मैक्रो ग्रुप बना लिया मल्टीपल पोर्ट्स का। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तो इस तरह से हम लोग एक स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप भी बना सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई बार पोर्ट आपका ना एरर डिसेबल में चला जाता है। किसमें चला जाता है, तुम लोगों ने लाइक एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तुम लोगों ने सीसीएनए में पढ़ा होगा, जब भी आप इस पोर्ट के ऊपर स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हो ना तुम लोग, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, इसका मैक एड्रेस आप यहाँ पे क्या कर देते हो, लाइक इस मशीन का मैक एड्रेस ए है तो ए मैक एड्रेस यहाँ पे बाइंड करवा देते थे आप। कोई दूसरा मैक एड्रेस यहाँ पे रिक्वेस्ट लेके आएगा तो ये पोर्ट किस में चला जाता था, एरर डिसेबल स्टेट में। किस में, एरर डिसेबल स्टेट में। और उस एरर डिसेबल स्टेट से अगर पोर्ट को आपने रिकवर करना है तो कैसे रिकवर करते थे हम लोग, पोर्ट को आपको क्या करना पड़ता था, शट डाउन करके फिर से नो शट डाउन करना पड़ता था। अब ये थोड़ा ना है कि हम लोग इस स्विच पे जाएंगे और पोर्ट को शट नो शट करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक एक रिकवरी सेट कर सकते हैं, पोर्ट को ऑटोमेटिक भी रिकवर करवा सकते हैं।
पोर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रिकवर करवा सकते हैं। तो हम लोग एक रिकवरी सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं वो देखो, पोर्ट पे स्विच पे जाओगे और आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एरर डिसेबल रिकवरी कोज, किस रीजन से पोर्ट आपका एरर डिसेबल में गया जिससे आपने क्या करना है उस पोर्ट को रिकवर करना है। रिकवरी कोज देखना कितने सारे हैं, तो ये आपको ये पता चलेंगे आने वाले टाइम में। एक आर्प इंस्पेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, मैंने इवन आप लोगों को लिखवाया भी हुआ है, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन सिक्योरिटी का एक टॉपिक, ठीक है। तो उसकी वजह से पोर्ट आपका किस में जा सकता है, एरर डिसेबल में। एसटीपी में पढ़ेंगे, बीपीडीयू की वजह से भी, बीपीडीयू गार्ड की वजह से भी पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जा सकता है। चैनल मिसकॉन्फिग ईथर चैनल की वजह से भी आपका पोर्ट एरर डिसेबल में डाल जा सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक स्टॉर्म कंट्रोल की वजह से भी पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जा सकता है। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा, ये देखना पी सिक्योर वायलेंस जो है, ये जो आपका रीजन जो है ना वो कौन सा है, हाँ ये वही आपका स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की। अगर आपने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फिगर की हुई है और पोर्ट पे एक मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है, पोर्ट कोई दूसरा मैक एड्रेस लर्न करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पोर्ट आपका एरर डिसेबल में चला जाएगा ना। तो वो पी सिक्योर वायलेंस होती है ना आपकी, अरे पी सिक्योर वायलेशन होती है ना, हाँ। तो कोज हम क्या सेट कर देंगे, या फिर आप एक काम करो, ये लो कोई भी रीजन से ऑल बोल दो, कोई भी रीजन से पोर्ट आपका एरर डिसेबल में जाए तो एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल एक सेट कर दो, इस टाइम के बीच में आप डिफाइन कर सकते हो। ये लो मैंने बोल दिया 60 सेकंड के बाद में पोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो वो 60 सेकंड के बाद में पोर्ट ऑटोमेटिक क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। पोर्ट एरर डिसेबल में गया जो भी पोर्ट, उसको 60 सेकंड के बाद में वापस से क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। अब वो यूज़र फिर भी वहीं पे है, दूसरा मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, फिर से उसको किस में डाल देगा, फिर वो एरर डिसेबल में, क्योंकि वहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर्ड है, फिर से एरर डिसेबल में डाल देगा। तो फिर से उसको, फिर वो 60 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। फिर से वो दूसरा मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आएगा, फिर से उसको एरर डिसेबल में डाल देगा, वो फिर से उसको ऑटोमेटिक रिकवर कर देगा। अब इस बार आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यूज़र को हटा दिया, उस लैपटॉप को वहाँ से आपने हटा दिया, या फिर कोई आपका जो वैलिड जो लैपटॉप था वही अटैच कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो 60 सेकंड के बाद में जैसे उसको रिकवर करेगा, इस बार आपका वही सेम मैक एड्रेस रिक्वेस्ट लेके आएगा जो बाइंड है वो, तो इस बार एरर डिसेबल में नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक रिकवर होता रहेगा पोर्ट आपका। पोर्ट को आपको शट नो शट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ऑटोमेटिक एक रिकवरी भी क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। तो ये हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिक स्विचिंग के, ठीक है, कैसे मैक एड्रेस लर्न करता है स्विच और वो सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वीलैन की, कि वीलैन क्या है। हेडिंग डालो वीलैन, वीलैन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें लिखना, इट इज यूज्ड टू ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर टू। लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है ये। ब्रॉडकास्ट डोमेन दो होते हैं, एक लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक होता है लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सा होता है, जैसे हमारा एक 10 का नेटवर्क है, 10 के नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो सारा का सारा हमारा क्या, एक लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन है। वो सारे के सारे एक ही सिंगल नेटवर्क में है ना, वो सारे के सारे यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। अब इसी तरह से 20 के नेटवर्क एक अलग एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वो भी सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में इंटर कम्युनिकेशन नहीं होता ना, वो आपका क्या एक लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। हम उनको कम्युनिकेट करवाना हो तो फिर क्या यूज़ करते हैं इसमें, राउटर है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास में एक लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन भी होता है, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। इसी में लिखना, इट इज आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर, इट इज आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर, ये एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं जो वीलैन जो होता है, वीलैन को हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है।
एंड इट इज 12 बिट नंबर. ये 12 बिट नंबर होता है, 12 बिट का नंबर होता है. ठीक है, विलेन को हम लोग एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं और ये 12 बिट नंबर रहता है एक आपका. ठीक है ना, और 12 बिट से क्या मतलब है, अगर 12 बिट और एक और चीज़, हम लोग हमेशा इसको डेसिमल नंबर में असाइन करते हैं. किसको इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं विलेन को, वो एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो डेसिमल नंबर रहेगा आपका, रिप्रेजेंट इन डेसिमल नंबर. और ये जो डेसिमल नंबर है वो कितने बिट का है, 12 बिट का. और 12 बिट को अगर आप लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कितने नंबर बनते हैं, 4096 है ना. तो अब बात करेंगे इसकी रेंज की, रेंज ऑफ VLAN, रेंज ऑफ VLAN, जो VLAN की रेंज जो होती है ना वो कितनी होती है, वो 0 से लेके 4095 होती है. तो टोटल कितने हो गए, 4096. और इस रेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन सी है, नॉर्मल रेंज बोल सकते हो, स्टैंडर्ड रेंज बोल सकते हो ना. तो एक होते हैं नॉर्मल रेंज VLAN, या आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड रेंज VLAN, जो कि रहती है आपकी 1, और जो 0 जो होता है ना वो रिजर्व होता है, 0 और लास्ट में जो 4095 जो है वो क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं. तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और 1 से कहाँ तक यूज होता है, ये 5 तक है ना, ये नॉर्मल रेंज VLAN होते हैं. और एक और होते हैं हमारे पास में एक्सटेंडेड रेंज VLAN, जो कि 1006 से लेके 4094 तक होते हैं. और जो नॉर्मली जो हम लोग स्विचेस पे जो VLAN बनाते हैं ना, वो नॉर्मल रेंज VLAN ही बनाते हैं. एक्सटेंडेड VLAN हम लोग कभी बना पाएंगे, कभी कुछ स्विचेस पे नहीं बना पाते हैं. हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, कब आप इनको बना पाओगे एक्सटेंडेड को, और कब नहीं बना पाओगे, और एक्सटेंडेड का यूज़ होता क्या है एक्चुअली, वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है, इसी में लिखना नेक्स्ट. बाय डिफॉल्ट VLAN 1 एग्जिस्ट ऑन ऑल स्विचेस. बाय डिफॉल्ट सभी स्विचेस पे एक VLAN 1 एग्जिस्ट करता है. VLAN 1 होगा ही होगा, उसके अलावा भी कुछ VLAN और होते हैं, 4 और VLAN होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. वो आज के टाइम में यूज़ नहीं होते, वो अनसपोर्टेड होते हैं, वो सपोर्ट नहीं होते आजकल. ठीक है, वो क्यों नहीं यूज़ होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक VLAN बना होता है, VLAN 1. ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ठीक है ना, और इसी में मेंशन करना, वन VLAN स्टैंड फॉर वन ब्रॉडकास्ट डोमेन. एक VLAN का मतलब है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स विल बी मेंबर ऑफ VLAN 1. इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी पोर्ट है वो सारे के सारे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं. अरे वन VLAN स्टैंड फॉर वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो सारे के सारे जितने भी पोर्ट होंगे वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे स्विच के, है ना. इसी में लिखना, VLAN डेटाबेस स्टोर्ड इन VLAN डॉट डेट फाइल इन टू फ्लैश मेमरी. एक फ्लैश मेमरी के अंदर एक VLAN डॉट डेट फाइल होगी, जिसमें सारा का सारा VLAN का डेटाबेस क्या होता है, स्टोर होता है. जो भी हम लोग VLAN वगैरह क्रिएट करेंगे,
तो फ्लैश मेमोरी के अंदर एक विलेन डॉट डेट फाइल बनी होती है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है विलेन्स का। ठीक है, ये राइट डाउन कर लिया सबने। चलो अभी इसको समझ लेते हैं हम लोग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक स्विच है यहाँ पे, स्विच वन, और इसके साथ में कुछ यूजर्स अटैच्ड हैं। ठीक है, इस मशीन पे आईपी दिया हुआ है 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3 एंड 10.1.1.4, और ये पोर्ट नंबर है 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4। इसका मैक एड्रेस ए है, बी है, सी है और डी है। और तुम लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक विलेन बना होगा, विलेन वन, और जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मेंबर होते हैं किसके, विलेन वन के। ठीक है, विलेन वन के मेंबर होते हैं, मतलब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, एक सिंगल लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब अगर इस यूजर ने 10.1.1.1 ने 10.1.1.2 को कोई भी डेटा भेजना है तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, सोर्स आईपी एक अटैच करेगा, एक एक पैकेट जनरेट करेगा, लेयर थ्री पैकेट जनरेट करेगा ना, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अटैच होगा उसमें, और वो इन्फॉर्मेशन देगा किसको, लेयर टू को। सोर्स मैक एड्रेस ए ऐड हो जाएगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या ऐड होगा, नहीं अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी अपनी एआरपी टेबल आर टेबल लुकअप करेगा उसमें एंट्री होगी नहीं, तो इस प्रोसेस को क्या कर देता था, ये होल्ड कर देता था ना, और एक फिर से एक आर जनरेट करता था जिसमें सोर्स आई पी वन, डेस्टिनेशन आई पी 10.1.1.2, सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0000, और ये इन्फॉर्मेशन किसको देता था, लेयर टू को, सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ। तो ये एक फ्रेम जनरेट होता था जो कि लेयर टू पे एड्रेस क्या है जिसमें, अरे एक फ्रेम जनरेट हुआ, ये फ्रेम किसके पास में आएगा, स्विच के पास में। ये जो स्विच जो है हमारा वो कौन सी लेयर का डिवाइस है, लेयर टू डिवाइस, तो ये सिर्फ लेयर टू हेडर ओपन करेगा, लेयर टू हेडर ओपन करके इन्फो और डेटा को क्या करता है, हमेशा फॉरवर्ड करता है ना, फ्रेम को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे ही आपका ये लेयर टू हेडर ओपन करेगा जिसमें वो सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या है ए, तो इस पोर्ट पे लर्न कर लेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता था, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है ऑल एफ, तो इसको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, बट ब्रॉडकास्ट करने से पहले ये चेक करेगा कौन से पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव है, 0/1 पे, और ये कौन से विलेन का मेंबर है, विलेन वन का। तो ये जो ब्रॉडकास्ट जो जनरेट होगी ना, जो ब्रॉडकास्ट जो जाएगी, इसकी कॉपी जो जाएगी, उन सभी पोर्ट पे जाएगी जो इस सेम विलेन के मेंबर हैं। तो ये सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट इस सेम विलेन के मेंबर है ना, जिसकी कॉपी सबके पास में चली जाएगी, और ये सारे यूजर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे ना, समझ में आई मेरी बात। लेकिन कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है, कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो दो यूज़र है ना, ये आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, और ये दो यूज़र आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, बट इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि लाइक मैं मान के चल रहा हूँ ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के हैं और ये हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं, तो क्या होना चाहिए, सेल्स वाले आपस में कम्युनिकेट करें और अकाउंट्स वाले आपस में कम्युनिकेट करें, इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन क्यों हो भाई। तो हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, विलेन छोड़ो, विलेन विलेन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बताओ मुझे, आप ये कर सकते हो ना, आप ये भी तो कर सकते हो, मैंने इसको आईपी क्या दे दिया 20.1.1.1 और इसको एक आईपी दे दिया क्या 20.1.1.2, क्या अभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये मैंने कौन सा ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक किया है, इनको मैंने एक लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन इनका क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, बट लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारा अभी भी क्या है, जो हमारा लेयर अभी भी ये मशीन एक सिंगल लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, क्योंकि ये सारे के सारे पोर्ट किस में, हमारे विलेन वन में है ना। समझ में आ रही है मेरी बात, लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने यहाँ पे तो क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया इनको, बट यहाँ पे लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन हमारा भी क्या, हमारा अभी भी क्या है, सेम ही है ना, क्योंकि जितने भी हमारे ये पोर्ट है बाय डिफॉल्ट विलेन वन के मेंबर हैं। अब देखना, समझने की ट्राई करना, अगर इस यूजर ने इस यूजर को कम्युनिकेट करना है, ऑब्वियस सी बात है ये यूजर इसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये आर्ट किसके लिए जनरेट करेगा, अपने गेटवे के लिए,
चलो गेटवे वगैरह के बारे में बात बात करें, इस यूजर ने क्या करना है, इस यूजर को कम्युनिकेट करना है स्टार्टिंग में, इसके पास में उसका मैक एड्रेस नहीं आई, या फिर ये यूजर क्या करेगा, फिर एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करेगा, आर जनरेट करेगा ना, जो कि लेयर 2 पे क्या रहेगी ब्रॉडकास्ट, या फिर ये यूजर खुद से क्या कर रहा है, एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रहा है, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा ए, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा ऑल एफ, इसकी फ्रेम की कॉपी जाएगी किसके पास में, स्विच के पास में, जैसे यहाँ पे कॉपी फ्रेम की रिसीव हुई, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, जैसे ही 0x1 पोर्ट के ऊपर इसको एक कॉपी रिसीव हुई, 0x1 पोर्ट पे कॉपी रिसीव होते ही वो क्या करेगा, एड्रेस लर्न करेगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या है ए, इस 0x1 पोर्ट पे लर्न कर लेगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है ऑल एफ, तो इसकी कॉपी क्या करेगा ब्रॉडकास्ट करेगा ना, तो ये चेक करेगा कि ये जो पोर्ट है आपका कौन से विलन का मेंबर है, विलन 1 का मेंबर है ना, तो इसकी जो ब्रॉडकास्ट जो कॉपी जाएगी वो कौन से विलन में जाएगी, इस विलन में जितने भी पोर्ट है उन सभी पे इसकी कॉपी भेज देगा, तो ये कॉपी इस सेल्स वालों के पास में तो जाएगी जाएगी, अकाउंट्स वालों के पास में भी उसकी एक कॉपी आएगी जो ब्रॉडकास्ट जा रही है। जब हमने इन दोनों सेल्स वालों को अकाउंट्स वालों के साथ में कम्युनिकेट करना ही नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट कॉपी वहां पे जाए क्यों, इस लिंक के ऊपर कंजेशन होगा ना, जहां पे ये जो हमारे अकाउंट्स वाले जो यूजर हैं, अगर ये यूजर सेल्स वाले अगर कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट करते हैं तो इस लिंक पे कंजेशन होगा, इस लिंक पे उसकी एक कॉपी जारी होगी ना, तो इस लिंक पे फालतू में कंजेशन होगा, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक विलन बना लिया मैंने 10 और एक विलन बना लिया क्या 20, मैंने क्या किया 0x1 पोर्ट और 0x2 पोर्ट विलन 10 में ऐड करवा लिया, और 0x3 पोर्ट और 0x4 पोर्ट मैंने किस में ऐड करवा लिया, तो अब मैंने लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी क्या कर दिया, इन दोनों पोर्ट का लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे आपका इवन चलो ये लो, चाहे लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन अब आपका सिंगल ही क्यों ना हो, अब अगर 10.1.1.1 अगर कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करता है, सोर्स मैक एड्रेस इसका खुद का रहेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा ऑल एफ, कॉपी जाएगी किसके पास में, स्विच के पास में, स्विच क्या करेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या ए इस वाले पोर्ट पे लर्न कर लेगा 0x1 पे, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या ऑल एफ, तो इसकी कॉपी कहां पे भेजेगा, पहले ये चेक करेगा कौन से विलन का मेंबर है, विलन 10 का मेंबर है ना, तो इसकी कॉपी कहां पे ब्रॉडकास्ट करेगा, उन सभी पोर्ट पे जो कि विलन 10 में होंगे, यहां पे जाएगी ना सिर्फ 10.1.1.2 की तरफ, क्या अकाउंट्स वाले यूजर्स के पास में इसकी कॉपी जाएगी अभी, तो अभी कंजेशन होगा नहीं होगा ना, कोई प्रॉब्लम आएगी, चलो इसको थोड़ा इजी करने की ट्राई करता हूँ। देखो क्या होता है, ये नेटवर्क बुल्स स्टार्टिंग में बिल्डिंग हायर करी है हम लोगों ने, ठीक है, पहले क्या था, ये जो पूरा फ्लोर है ना वो एक सिंगल फ्लोर था, अभी तो क्लासरूम में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, पहले क्या था पूरा एक सिंगल हॉल था ना ये, अगर यहाँ पे क्लासरूम अगर यहाँ पे क्लासेस लेनी होती तो कैसे लेते, मैंने क्या किया मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बिठा दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट ही तो कर रहा हूँ, तुम सबके पास में क्या हो रही है वो रिसीव हो रही है, ये बस अगर भाई अगर ब्रॉडकास्ट करेगा यहाँ पे ये अगर कुछ बोलना चाहता है तो तुम सबको सुनाई देगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात, तो हम सबके पास में जाएगी वो बात, ठीक है। अब इसी तरह से लाइक एक और ट्रेनर है जो कि साथ में जगह है थोड़ी और, वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे वो अपने कुछ स्टूडेंट को बिठा के वहाँ पे वो लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा, इसी तरह से पीछे कुछ और उधर कुछ ट्रेनर क्या कर रहे होंगे, इस हॉल में क्या कर लिया कुछ बच्चों को लेके हम लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया और बैठ गए, हमने अपना ग्रुप तो बना लिया लेकिन ये जो पूरा हॉल जो है वो अभी भी एक सिंगल है ना, हमने अपना ग्रुप क्या कर लिया सेपरेट कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा हूँ, आप लोगों तक जाएगी इसकी कॉपी, साथ वालों के पास में भी जाएगी ना, इसी तरह से वहां पे जो ट्रेनर जो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा वो यहाँ तक भी आ रहा होगा, मेरी बातें सबके पास में जाएगी, और वहां पे जो चार ट्रेनर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उनकी बातें आप तक आएंगी, तो अब मेरी आप बात प्रॉपर सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, कंजेशन होगा ना, हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट जो है वो ज्यादा होने लग जाएगी, अगर मैं अकेला एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चुप हो जाऊंगा ये बोलने लग जाएगा, लेकिन वहां से भी अगर कोई यूजर अगर ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो प्रॉब्लम आएगी ना, हमने ग्रुप तो अलग बना लिए स्टिल ये हॉल तो एक सिंगल ही था ना, इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इन यूजर्स को लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन तो इनका अलग कर दिया था, बट स्टिल लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या था, सेम था, अगर इस यूजर ने कोई लेयर 2 पे कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया तो कॉपी स्विच के पास में, स्विच सभी पोर्ट पे भेज रहा था ना, प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्लासरूम्स के अंदर डिवाइड कर लिया इसको, हमें यहाँ पे इस पूरे फ्लोर को क्या कर लिया क्लासरूम में डिवाइड कर लिया, मैंने तुम लोगों को मैं यहाँ पे लेके बैठ गया, कुछ एक ट्रेनर उधर स्टूडेंट्स को लेके बैठा है, तो मैं अब यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट जो डिलीवर कर रहा हूँ
मैं अपना जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सिर्फ तुम लोगों तक जा रहे हैं, मेरी आवाज़ साथ वाली क्लास में जाएगी नहीं जाएगी? वहाँ पे जो ट्रेनर लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो यहाँ तक आएगी ब्रॉडकास्ट नहीं आएगी? तो हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे और वो लोग भी प्रॉपर आपस में क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे? कंजेशन होगा कोई नहीं, प्रॉब्लम आएगी कोई नहीं आएगी? ठीक, इसी तरह से हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, पहले ये जितने भी पोर्ट्स थे, जितने भी ये यूजर थे, सारे के सारे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में थे, ठीक है? ये डिपार्टमेंट अलग अलग थे, लाइक सेल्स वाला, अकाउंट्स वाला, जब सेल्स वाला कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा था तो उसकी कॉपी कहाँ पे जा रही थी? अकाउंट्स वालों के पास में भी, क्यों? क्योंकि पहले वो क्या था, स्विच के ऊपर सारे के सारे पोर्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में थे, एक सिंगल, अरे ब्रॉडकास्ट डोमेन जैसे पहले एक सिंगल हॉल था, फिर हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया। अब अगर इस पोर्ट पे कोई ब्रॉडकास्ट आ रही है तो इसकी कॉपी इसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाएगी ना, बात आ रही है मेरी समझ में? अभी आया समझ में विलन हम लोग क्यों यूज करते हैं? लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट स्विच के ऊपर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, क्योंकि वहां पे एक विलन वन बना होता है और जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे मेंबर होते हैं किसके, विलन वन के। और पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, स्विच के ऊपर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है ना? ये नहीं बोलना है, आप ये बोलोगे जितने नंबर ऑफ विलन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? बाय डिफॉल्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, फाइन। बट अगर आपके पास में मल्टीपल विलन बने हुए उनमें और अलग आपने पोर्ट असाइन करवाए हुए हैं तो जितने नंबर ऑफ विलन है उतने नंबर ऑफ क्या होंगे वहां पे? ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। बात आ गई समझ में? अब ये नहीं बोल दोगे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अब तुम्हें तो पता है, लेकिन जो इंटरव्यूअर जो होते हैं ना वो कुछ वो भी ऐसे बैठे होते हैं जिनको नहीं पता होता, ठीक है? तो फिर उनको एक्सप्लेन करना है वो चीज़ जो तुमने बात बोली है, वो एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी ना, उसको बताना है कि हाँ भाई क्यों मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो सकते हैं स्विच पे, और मल्टीपल विलेन है तो मल्टीपल वहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन है वहाँ पे अगर उनमें पोर्ट असाइन। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, ओके। तो अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली भी प्रूव करके देख लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो मैं स्विच वन को एक्सेस कर रहा हूँ, तो स्विच वन पे शो विलन ब्रीफ देखना, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये डेटाबेस डिलीट कर दूँ सब कुछ मैं यहाँ से पहले, और रिलोड करूँगा पहले, मैं इसको आपको फ्रेश एक इसका डेटाबेस दिखाऊँगा तुम लोगों को, ठीक है? तो मैं डिलीट कर रहा हूँ एक तो NVRAM स्टार्टअप कॉन्फिग, और एक डिलीट कर रहा हूँ फ्लैश, और फ्लैश में कौन सी फाइल, विलन डॉट डेट फाइल, कन्फर्म यस। और मैं स्विच को कर रहा हूँ रीलोड, तो कर रहा हूँ लेकिन ये दूसरे स्विच से वो ना उठा ले, देखी जाएगी, उठा लेगा वैसे दूसरे स्विच से, अरे वहाँ पे VTP चल रहा होगा, VTP से फिर पोर्ट सारे बाय डिफॉल्ट इसके आप आ जाएंगे जैसे ऑन होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं हमें, मे बी वहाँ पे VTP डोमेन नेम चेंज हो तो अच्छी बात हो। और हाँ एक और चीज़, ब्रॉडकास्ट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं जाएगी ना, अगर एक वीलैन में अगर कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट होती है उसकी कॉपी एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में
नहीं जाएगी। वैसे ही अगर मैं इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में अगर एक यूनिकास्ट जनरेट करता हूँ तो इसकी कॉपी भी डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं जाएगी। अगर मैंने इनसे वन टू वन कम्युनिकेट करना है, यूनिकास्ट करना है इनसे मैंने, तो मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ ना। उधर साथ वाले क्लासरूम में अगर कोई बैठा है, मैं यहाँ से बैठा हुआ उससे वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। या फिर मुझे उस ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाना पड़ेगा या फिर उसको इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में आना पड़ेगा, तभी हम लोग वन टू वन कम्युनिकेट कर सकते हैं, यूनिकास्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं होस्ट नेम सेट कर देता हूँ क्या, स्विच वन, ठीक है। और मैंने बताया था यहाँ पे एक फाइल बनी होती है शो फ्लैश, जितना भी डेटाबेस होता है वो फ्लैश मेमोरी में सेव होता है ना, देखना यहाँ पे है, यहाँ पे फाइल नहीं। क्यों नहीं है? मैंने तो बताया था यहाँ पे फाइल होती है विलन डॉट डेट, और तुम लोगों ने देखी भी होगी एन ए में ना। कहाँ है फाइल? क्यों देखो, जब तक जो आपका फ्रेश डेटाबेस है ना, मैंने विलन डॉट डेट फाइल, अगर आपने फ्रेश कोई स्विच लिया है ठीक है, वहाँ पे आपको विलन डॉट डेट फाइल नहीं मिलेगी जब तक आप उसमें कोई विलन क्रिएट नहीं कर देते, ठीक है ना। शो विलन ब्रीफ, यहाँ पे डिफॉल्ट डेटाबेस है ना, ठीक है, तो ये वहाँ पे अभी विलन डॉट डेट फाइल में स्टोर नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे कोई विलन बनाता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे विलन बनाया, विलन बन गया होगा क्या? डू शो विलन ब्रीफ नहीं बनाना, जब तक आप इसको एग्जिट नहीं करोगे तब तक विलन नहीं बनेगा। एग्जिट शो विलन ब्रीफ, देखना विलन बन गया। और इस बार मैं बोलता हूँ शो फ्लैश, और अब देखना यहाँ पे एक विलन डॉट डेट फाइल दिखाएगा आपको एक, और देखना इसका साइज कितना है। मैं एक और विलन बना देता हूँ, विलन 20, इसका साइज बढ़ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, अरे समझ में आई बात? तो विलन डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हो रहा है? विलन डॉट डेट फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विलन कैसे बनाते हो, मैं पहले नो विलन 10 20 बोलता हूँ, आप विलन कैसे बना सकते हो? शो विलन ब्रीफ, देखना यहाँ पे कोई विलन है आपको दिखा रहा है? शो विलन ब्रीफ नहीं दिखा रहा ना। तो हम अब हमने क्या करना है, इसमें विलन क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट विलन, तो कैसे क्रिएट करते हैं देखो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना, आप क्या बोलोगे यहाँ पे विलन 10, और इसको यहाँ से आप नेम भी दे सकते हो, नेम लाइक मैंने नेम क्या दे दिया, सेल्स। एग्जिट एग्जिट शो विलन ब्रीफ कमांड चला के आप विलन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक विलन क्रिएट हो चुका है, विलन नंबर क्या है 10 और सेल्स, और वो क्या है एक्टिव है। और हाँ, मैंने तुम लोगों को ये तो एक विलन बताया था, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट विलन भी बने हुए ना, और जो कुछ है FDDI, कुछ टोकन रिंग, तुम लोगों को पता है कुछ लैंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो यूज़ होता है ना, वहाँ पे कुछ लैंड टेक्नोलॉजीज काम कर रही होती हैं। आज के टाइम में जो हम लोग लैंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं? इथरनेट लैंड टेक्नोलॉजी। कौन सी? जो एक लोकल एरिया नेटवर्क में जो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही है, तो वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक तो यूज़ हो रही होगी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो यूज़ हो रही होगी। तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मशीन्स को लोकल एरिया नेटवर्क में जो मशीन्स को जो कम्युनिकेट करवाते हैं, जो टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेट करवा रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो कौन सी यूज़ हो रही है? इथरनेट टेक्नोलॉजी। इसी तरह से पहले के टाइम में टोकन रिंग भी थी, टोकन बस भी थी, FDDI भी थी, ATM, ये सारी की सारी क्या है, लैंड टेक्नोलॉजीज हैं, है ना। तो वो पहले के टाइम में वो टेक्नोलॉजीज भी यूज़ हो रही थी। तो अब अगर मेरे पास में एक इथरनेट टेक्नोलॉजी चल रही है, और इस टेक्नोलॉजी को आपने किससे कनेक्ट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक स्विच है, ये स्विच है, और स्विच के साथ में कुछ यूजर्स अटैच्ड हैं, और ये यूजर सारे आपस में क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे। और यहाँ पे साथ में ना एक रिंग टोपोलॉजी भी है। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है पता है सबको? रिंग में नहीं कनेक्ट होते वो, एक यहाँ पे मऊ डिवाइस होता है ना, और ये जो पोर्ट होते हैं, ये पोर्ट इंटरनली इस तरह से एक रिंग में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो इस मऊ डिवाइस को क्या करना पड़ेगा आपको, इससे कनेक्ट कर लोगे अगर आप चाहते हो दोनों टेक्नोलॉजी आपस में, ये टोकन रिंग और आपका इथरनेट टेक्नोलॉजी दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, इनके बीच में बैकवर्ड आपने इन दोनों के बीच में आपने कंपेटिबिलिटी बनानी है, कनेक्टिविटी बनानी है, तो कैसे बनाओगे आप? तो यहाँ पे जो आप पोर्ट पे आप कनेक्ट करोगे ना इसको, तो यहाँ पे जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लाइक मैं अगर यहाँ पे टोकन रिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको कौन से विलन में ऐड करवा लोगे? टोकन रिंग में।
अगर वहाँ पे FDDI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो FDDI में, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो ओल्डर जो आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ में कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए यूज़ होता था ये जो डिफ़ॉल्ट विलेन है, बट आज के टाइम में इनका कोई यूज़ नहीं रह गया, आज के टाइम में इन विलेंस का कोई यूज़ नहीं रह गया ये जो 1002 से लेके 1005 तक, क्योंकि आज के टाइम में ये टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं हो रही हैं। क्या यूज़ हो रही हैं इंडस्ट्री में? कहीं नहीं यूज़ होती ना, समझ में आई बात? टोकन रिंग तो फिर भी आपको देखने को मिल जाएगी, बट बाकी टेक्नोलॉजीज देखने को नहीं मिलेगी। अगर उसके साथ में आपने आपने बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी बनानी है तो आप इससे बना सकते हो। और ये देखना यहाँ पे विलेन क्या है, आपके एक्टिव है बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनसपोर्टेड, ये सपोर्ट नहीं करता अभी इसके साथ में, ठीक है? तो ये विलेन को छोड़ दो, ये विलेन यूज़ नहीं होते हैं। तो बाकी जो विलेन रह गए कौन से, 1 से लेके 1001 तक, वो हमारे नॉर्मल रेंज विलेन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप विलेन कैसे बनाते हो पता चला, विलेन 10 या विलेन 20। अगर आपने मल्टीपल विलेन बनाने, मैं इस विलेन 10 को हटा देता हूँ, अगर आपने मल्टीपल विलेन बनाने हैं, लाइक विलेन 10, 20, 30, 40 कुछ बनाने विलेन, तो आप क्या बोल सकते हो, विलेन 10, 20, 30, 40, 50। एक ही कमांड से आप मल्टीपल विलेन बना सकते हो, देखना चाहिए विलेन ब्रीफ। अगर रेंडमली कुछ विलेन बनाने हैं एक ही कमांड से, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ये लो मैं इस कमांड को हटा दूँ, अब इसको नो करोगे तो ये सारे के सारे विलेन क्या हो जाएंगे, शो विलेन ब्रीफ, देखना रिमूव। और आप इस तरह से भी विलेन बना सकते हो, लाइक आपने लाइक 11 to 20 विलेन बनाने इकट्ठे, तो आप विलेन 12, 13 ऐसे क्यों बोलोगे, आप ये बोल दो 11-20, ये लो शो विलेन ब्रीफ, बन गए। तो इस तरह से आप विलेन क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये लो मैं इन विलेन को हटा देता हूँ, पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, विलेन रिमूव, विलेन ओहो विलेन रिमूव, शो विलेन ब्रीफ, देखना कोई विलेन है। आप ये लो इंटरफेस, मैंने बोला इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1, मैं इस पोर्ट को ऐड करवा रहा हूँ स्विच पोर्ट, ये हमारा एक्सेस करे किस विलेन को, विलेन मैं बोल रहा हूँ 100 को एक्सेस करे, ये यहाँ पे विलेन है 100 नहीं है ना, ये देखना ये बोल रहा है कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट उसने यहाँ पे क्या कर दिया, विलेन ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, ये देखना शो विलेन ब्रीफ, समझ में आई बात? तो मैं यहाँ पे वापस से अब एक काम करता हूँ, मैं इस विलेन को रिमूव कर दूँ, मैंने बोला नो विलेन 100, मैंने जैसे ही नो विलेन 100 बोला, अब वो जो पोर्ट है वो पोर्ट कहाँ गया, पोर्ट कहाँ गया, गायब हो गया ये, तो ये पोर्ट मेंबर किसका था, 100 का, वो विलेन 100 एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना अगर कोई स्विच के ऊपर, और जो ये पोर्ट होते हैं ना हमारे लेयर 2 पोर्ट हैं, ये पोर्ट कौन से हैं, हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ये जो पोर्ट हैं सारे के सारे स्विच के, ये लेयर 2 पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, लेयर 2 पोर्ट मींस स्विच पोर्ट, क्या स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर 2 पोर्ट बोलते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्या चेक करता हूँ, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट दिखा नहीं रहा ना, मैं आगे एक स्विच पोर्ट कीवर्ड यूज़ करता हूँ, ये स्विच पोर्ट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है आपको, और ये क्या दिखा रहे हैं, ये जो है कौन से विलेन को एक्सेस कर रहे हैं, बट 100 विलेन क्या है यहाँ पे, इनएक्टिव है, मतलब ये 100 विलेन का मेंबर है ये पोर्ट, बट ये विलेन 100 जो है इनएक्टिव है, मतलब यहाँ पे विलेन है ही नहीं वो, अरे वो विलेन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए पोर्ट नहीं दिखा रहा। अगर कोई पोर्ट आपका कोई इनएक्टिव विलेन का मेंबर है, कोई भी पोर्ट अगर इनएक्टिव विलेन का मेंबर है, तो उस पोर्ट से कोई भी डेटा सेंड रिसीव नहीं हो सकता, समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे ये दोनों पोर्ट किसके मेंबर थे, विलेन 10 के मेंबर थे, मैंने विलेन 10 क्या कर दिया यहाँ से हटा दिया, तो ये दोनों पोर्ट, ये दोनों यूज़र आपस में कम्युनिकेट, इवन मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, ये लो आ जाओ यहाँ पे, मैंने क्या बोला इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 to 2, मैंने बोला स्विच पोर्ट एक्सेस करे किसको, विलेन 10 को, तो विलेन 10 क्रिएट हो चुका होगा, शो विलेन ब्रीफ, देखना। और ये दोनों पोर्ट किसके मेंबर बन गए, विलेन 10 के मेंबर बन गए, समझ में आ रही है मेरी बात? और मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ नो, और ये यूज़र आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, देख सकते हो तुम, R1 जो है वो R2 को कम्युनिकेट कर रहा होगा ना, मैंने कौन कौन से पोर्ट असाइन करवाए हैं उसमें, 1 और 2 ना, तो वेट कर लो कितने टाइम का,
30 सेकंड का, अगर कोई पोर्ट एक विलेन से दूसरे विलेन में क्या होता है, मूव होता है, तो वो 30 सेकंड का टाइम लेता है, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, वो विलेन हटा दूँ यहाँ से, कौन सा, नो विलेन, टेन। मैंने जैसे ही इस विलेन को यहाँ से हटाया, शो विलेन ब्रीफ, यहाँ पे कोई विलेन है वो पोर्ट दिखा रहे हैं। अब मैं इन यूज़र से कम्युनिकेट करवा के देखूँ एक दूसरे को, नहीं कर रहा ना। तो कई बार आपको यहाँ पे पोर्ट्स शो नहीं कर रहा होता, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, हो सकता है वो किसी विलेन का मेंबर था पोर्ट, और वो विलेन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कि हम लोग जैसे जैसे चीज़ें आएंगी तुम लोगों को पता चलता रहेगा, और क्या क्या रीज़न होते हैं कि यहाँ पे आपको पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा होता। पहला रीज़न पता चला, पहला रीज़न क्या था, अगर कोई पोर्ट किसी विलेन का मेंबर है और वो विलेन यहाँ पे डेटाबेस में आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे पोर्ट शो नहीं करेगा, और उस पोर्ट से कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, कोई डेटा ट्रैफिक सेंड रिसीव नहीं होगा उस पोर्ट से। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अब इस कमांड को मैं यहाँ से हटा दूँ, मैं इस पोर्ट पे गया था और इस पोर्ट पे हमने ये कमांड चलाई थी ना, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10, मैंने इस कमांड को हटा दिया, शो विलेन ब्रीफ। तो मैंने जैसे ही कमांड को हटाया तो अब क्या हुआ, अगर कोई पोर्ट किसी विलेन को आपने असाइन नहीं करवाया हुआ, तो फिर वो डिफॉल्ट किस विलेन का मेंबर होता है, विलेन वन में आ जाएगा। अगर कोई भी पोर्ट को आपने क्या कर दिया, विलेन से हटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो किसका मेंबर होता है, विलेन वन का, वन में आ गया वो। समझ में आई बात, इतनी ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, अब हम लोग क्या जाते हैं, अब ये सारे यूजर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, अभी तो देखना 10.1.1.2 से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, ये 3 से भी कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, और ये 4 से भी कम्युनिकेट कर रहा होगा। ये सारे यूजर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, इवन मैं लास्ट वाली मशीन से या R2 से चेक करवा देता हूँ, पिंग स्पेस 10.1.1.1 को कम्युनिकेट कर रहा है ये, इसको क्या हो गया, अरे अच्छा हमने उसका आईपी चेंज कर दिया था, तुम लोगों को याद हो अगर, स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ 10 है इसका आईपी, R1 का आईपी क्या है, तो 10 को कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 को कम्युनिकेट कर रहा होगा। ओहो 3 को कम्युनिकेट कर रहा होगा, कर रहे हैं ना, और 4 को भी कम्युनिकेट कर रहा होगा, हो रहा है इनके बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है। सारे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा टास्क क्या था कि जो मशीन वन और मशीन जो टू है वो किसके मेंबर थे, सेल्स के, है ना। तो हम लोग ये काम करते हैं, मैं यहाँ पे दो विलेन, एक विलेन बना लेता हूँ विलेन 10, और उसको नेम क्या दे दिया मैंने, सेल्स, विलेन 20, उसको मैं नेम दे देता हूँ क्या, ठीक है। तो देखना शो विलेन ब्रीफ, दो विलेन बन गए। अगर इन विलेन को अगर आपने पोर्ट असाइन करवाना है तो पता है ना कैसे असाइन करवाते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1/2/2 स्विच पोर्ट एक्सेस करें किसको, विलेन 10 को, और 3/2/4 स्विच पोर्ट एक्सेस करें विलेन किसको, 20 को, शो विलेन ब्रीफ, ठीक। तो अब तुम देखोगे, मैं R1 पे गया, R1 से मैं कम्युनिकेट करता हूँ 2 को, थोड़ा वेट कर लो, पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में 30 सेकंड लेंगे, तो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने के बाद में तुम देखोगे, यहाँ पे देखना R1 इसको कम्युनिकेट कर रहा है, बट ये 3 को कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्या 3 को कम्युनिकेट कर रहा है ये। मैं R2 पे गया, मैं R2 से मैं R1 को पिंग कर रहा हूँ, उसका IP था 10.1.1.10, कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं R4 को कम्युनिकेट करके देखता हूँ यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में है ना। अरे बात आ रही है समझ में, मैं लास्ट वाली मशीन पे जा रहा हूँ R4 पे, मैं पिंग करके देखता हूँ किसको, 10.1.1.3 को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं 2 को कम्युनिकेट करवा के देख रहा हूँ, देखना कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं इस पे गया R3 पे, और मैं पिंग करवा के देखता हूँ, पिंग स्पेस
10.1.1.4 को कम्युनिकेशन हो रहा है, मैपिंग करवा के देखता हूँ इसको 10 को कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये तो हमारा टास्क था, हो गया अचीव। इवन ये सारे के सारे क्या है, सेम वीलैन में है, सॉरी सेम लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन में, सेम नेटवर्क में, स्टिल इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इनके लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बात आ गई समझ में? तो ये था हमारा वीलैन। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों ने डायनेमिकली अगर कोई पोर्ट असाइन करवाने हैं, देखो अगर कोई भी पोर्ट को कोई विलेन को असाइन करवाना है तो हमने कैसे असाइन करवाया था, स्टैटिकली असाइन करवाया था ना हम। पोर्ट असाइनमेंट जो होती है ना आपकी, जो आपकी पोर्ट असाइनमेंट जो है कोई भी विलेन के लिए, हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं वो, एक तो स्टैटिकली और एक डायनेमिकली। अभी तक हमने क्या देखा था, स्टैटिकली पोर्ट पे गए थे हम लोग और हमने वहाँ पे कमांड चलाई थी स्विच पोर्ट एक्सेस करे किसको, विलेन 10 को या 20 को या 30 को, ऐसे बोला था ना मैंने। अरे तभी वो पोर्ट असाइन हुए थे, वो जो मेथड जो हमने अभी यूज़ किया है कोई भी पोर्ट को कोई विलेन में असाइन करवाना, वो स्टैटिक मेथड है। आप डायनेमिकली भी कोई भी पोर्ट को आप कोई विलेन को क्या करवा सकते हो, असाइन करवा सकते हो। तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डायनेमिकली अगर आप लोगों ने कोई विलेन को असाइन करवाना है कोई पोर्ट पे तो कैसे करवाओगे। इसके दो चीज़ें यूज होती है इसमें, एक तो यूज होता है VMPS और एक यूज होता है AAA। ये दोनों चीज़ें यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पोर्ट को कोई भी विलेन में डायनेमिकली असाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। एक्चुअली ये सिक्योरिटी का पार्ट है बट हम लोग इसको थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारा कंप्लीट। ठीक है।